Okay then, एक कहावत है बूंद बूंद से घट भरता है यानी स्मॉल ड्रॉप मेक एन ओशियन वैसे ही कुछ अपने साथ होने वाला है वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्मॉल कॉन्सेप्ट एंड एनश्योर दैट द ओशियन ऑफ मार्क्स गेट्स फिल्डअप येस गाइज अब आ रहे हैं आप लोगों के साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस श्योर शॉर्ट सक्सेस ए से रिलेटेड क्विक लेवल अंडरस्टैंडिंग 10 10 मार्क्स वाले questions. दे मे बी आज इन एमसीक्यू जैसे आज का जो क्वेश्चन है मुझे ऐसा लगता है कि ये अटेम्प्ट में 101 परसेंट फाइव टू सिक्स मार्क्स एम गारंटीड आएगा ही आएगा ऑप्शन ग्रीक्स रिलेटेड टू डेल्टा गामा थीटा वेगा आर एच ओ सो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बट उसके पहले मुझे भी एक आप लोग आप लो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इन्श्योर दैट यू पुट अल लाइक दैट इज द बेस्ट मोटिवेशन दैट यू कैन गिव मी मैं आपको क्या मोटिवेशन दूंगा आप जो कमेंट में आ, मुझे बोलेंगे वो वाला लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करके दूंगा इनफैक्ट उससे भी बेटर सो प्लीज स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज लॉर्ड ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू यू विल बी अपकमिंग इन द टाइम टू कम आओ इसके ऊपर आ जाते हैं इसका जो नोट्स है वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं आप लोगों के साथ नोट शेयर कर रहा हूं देखो अब आपको है ना ये इंस्टीट्यूट जो है वो आपको शायद डेल्टा हैज रेशियो या ऑप्शन ग्रीक्स के जो, ग्रीक जो पार्ट्स है या वेगा है इसका आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देगा बट यहाँ पे व्हाट आई अ एग्जांपल रिलेटेड टू दैट न्यूमेरिकल एग्जांपल एंड ये एक बार अगर आप लोग ये numerical example को देखोगे ना तो आप लोगों को उससे चीजें फटाफट हो जाएगी आपको ये चीजें क्लियर हो जाए सो दैट वी आर थ्रू 5 टू 6 मिनट्स इज व्हाट आई वांट एंड अपना ये ऐसे बोलो ना स्मॉल स्मॉल बिल्ड अप करते करते यू विल आल्सो गेट कॉन्फिडेंट चलो भाई स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट फिर

टोटली एज पर आईसीएआई सिलेबस सो फिर बाद में आपको बार बार टेलीग्राम चैनल पे जाके रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मेजोरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ से ऑप्टिमाइज से ही आएंगे चलो भाई स्टार्ट करते हैं ये सेशन

शेयर के बदले पे ऑप्शन में ही डायरेक्टली ट्रेडिंग करना है तो मेरा क्या रेशियो बैठता है मतलब एक शेयर के सामने मैं कितना ऑप्शन लू तो मेरा सिमिलर लेवल ऑफ प्रॉफिट मैं कमा सकता हूं आई गिव यू एन एग्जांपल योर जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 510 एंड प्रीमियम ऑफ द कॉल ऑप्शन इज रुपीज जब मेरा दस से मेरा शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा प्रीमियम पांच से बढ़ रहा है वापस से आप लोग नोट करेंगे कि जैसा मेरा दस रुपए से यहाँ पे शेयर का प्राइस बढ़ा पांच रुपए से मेरा प्रीमियम बढ़ा एंड लास्ट में अगेन जब मेरा इधर दस रुपए से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ा पांच रुपए से मेरा प्रीमियम बढ़ा सो so, यहां पर वी कैन वेरी इजिली सी दट चेंज इन शेयर वैल्यू इज टेन बट चेंज इन प्रीमियम इज फाइव मतलब फॉर एवरी वन शेयर आई रिक्वायर टू ऑप्शन एंड दैट बेसिकली टेल्स अस द डेल्टा सो नंबर ऑफ शेयर टू बी वॉट पर ऑप्शन इज चेंज इन वैल्यू देखो ये जो मेरा 5 by 10 आया है इससे मुझे क्या पता चलता है ये आता है जीरो पॉइंट फाइव दिस नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट पर ऑप्शन सो एक ऑप्शन के लिए पॉइंट फाइव शेयर करी दो एक शेयर के सामने दो ऑप्शन खरीदो सो इट विल गिव यू अ डेल्टा हेजिंग चेंज इन क्या बोला देखो इधर मेजर्स एक्सपेक्टेड मूव ऑप्शन प्राइस कैन बी एक्सपेक्टेड टू मूव फॉर रूपी चेंज इन अंडरलाइन सिक्योरिटी और इंडेक्स दस रुपए से मेरा शेयर प्राइस चेंज होता है पांच रुपए से मेरा ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होता है इसको अपन लोग वाइज भी लिख सकते हैं यहां पे देखो सी यू माइनस सी डी अपॉन यूएस माइनस डीएस यूएस मतलब ऊपर गया तो शेयर का प्राइस से फाइव ट्वेंटी नीचे आया फाइव टेन एंड ऊपर जब फाइव ट्वेंटी है तो इट इज फोर्टी अदरवाइज थर्टी फाइव सो फाइव बाई टेन थियोरी में आता है एक रुपए का चेंज इन माय ऑप्शन प्राइस एंड सॉरी एक रुपए का चेंज इन माय शेयर उ मच चेंज इन प्राइस ऑफ माइ ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे एक रुपए का शेयर प्राइस चेंज मेरा ऑप्शन का प्राइस चेंज होता है मैंने डेल्टा पे टाइम इसीलिए डाला ताकि बाकी सब फटाफट होते जाए वेगा विल रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब रिस्क में जो चेंज है ऑफ माई सिक्योरिटी एंड उसके सामने मेरा ऑप्शन वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है तो सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन ड्यू टू चेंज इन वोलेटिलिटी विच इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिस्क चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन अ वन परसेंट पॉइंट चेंज इन वोलेटिलिटी ठीक है सो एक परसेंट से मेरा अगर स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होता है तो उसकी वजह से मेरे ऑप्शन के वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आता है एक रुपए से अगर मेरा शेयर प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से मेरे ऑप्शन प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है थीटा टाइम एक दिन का अगर मेरा टाइम चेंज होता है तो उसकी वजह से मेरा ऑप्शन वैल्यू पे क्या चेंज आता है इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज ₹75 एन ऑप्शन एज अ थीटा ऑफ 2 तो एक दिन में मेरा क्या इंपैक्ट होने वाला है दो रुपए से मेरा ऑप्शन वैल्यू चेंज होगा सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन मेरा एक स्टैंडर्ड इशन में चेंज होने की वजह से मेरे ऑप्शन वैल्यू में ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंज आता है इंटरेस्ट रेट की चेंज में की वजह से मेरे ऑप्शन के वैल्यू ऑप्शन के प्रीमियम में क्या चेंज आता है रिप्रेजेंटेड बाय रो आरएचओ यूज्ड टू मेजर सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शंस प्राइस टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट इंडिकेट्स हाउ मच ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट सो इफ एन ऑप्शन पोर्टफोलियो हैज अ रो ऑफ 3 मतलब 1% से अगर मेरा इंटरेस्ट रेट चेंज होगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल चेंज बाय 3% एंड लास्ट है गैमा विच इज कॉल्ड एज डेल्टा ऑफ डेल्टा सो डेल्टा में कितना चेंज है सो so, यहाँ पे 0.5 है वैसे ही और एक मेरा डेल्टा आएगा सो डेल्टा में कितना चेंज है एंड इसकी वजह से मेरा प्राइस ऑफ स्टॉक में क्या चेंज है सो प्राइस ऑफ स्टॉक में जो चेंजेस है उसकी वजह से डेल्टा में जो चेंजेस आता है रिप्रेजेंटेड बाय गैमा सो अगर मेरे को यहां पे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं पांच चीजें मेरे पास है डेल्टा चेंज इन शेयर प्राइस की वजह से चेंज इन ऑप्शन वैल्यू हमारे रियर क्लियर यस सर फिर बाद में आता है बेगा खुद से लॉजिकली अभी करो चेंज इन स्टैंडर्ड डिविएशन और इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा चेंज इन ऑप्शन वैल्यू फिर बाद में बेगा के बाद थीटा right? So थीटा is time change in time और इसकी वजह से change in option value. फिर बाद में rho, r h o अगर इंटरेस्ट में change आया तो उसकी वजह से चेंज इन ऑप्शन वैल्यू क्या चेंज आ रहा है एंड लास्ट इज द गैमा चेंज इन प्राइस ऑफ शेयर और उसका इंपैक्ट ऑन डेल्टा डेल्टा कितने से मेरा चेंज हो रहा है अगर ये एमसीक्यू में आए तो जरूर याद okay then, so कैसा लगा आप लोगों को ये शॉर्ट एंड स्वीट सेशन सुन लेना दो तीन बार आएगा एग्जाम में तो मुझे याद कर लेना चलो आस्ता मिलते हैं टेक केयर कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच व्हाट एल्स डू यू वांट कमेंट इज ओपन फॉर यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल